नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM, मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनाव के परिणाम आते ही भाजपा का पूरा कायापलट हो गया है। जहां भाजपा और पीएम मोदी दावे कर रहे थे कि अब की बार 400 पार होगा और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे, लेकिन सामने जब नतीजे आए तो भाजपा के लिए परेशानी खड़ी हो गई। आलम ये रहा कि भाजपा को अकेले बहुमत ही नहीं मिल सका, महज 240 सीटों पर ही भाजपा सिमट के रह गई। भाजपा अगर NDA में शामिल दलों का सहयोग ना ले तो अकेले सरकार बनाना भी मुश्किल है। ऐसे में इस बार का चुनावी परिणाम ऐसा रहा कि भाजपा के लोग ना तो हंस सके और ना ही रो सके। भाजपाइयों के चेहरे पर मायूसी सी नजर आ रही है। इस बार के चुनाव में कांग्रेस और सपा दोनों ने शानदार वापसी की और भाजपा के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। शुरू से ही ये माना जा रहा था कि इस बार लोगों ने बदलाव का मन बनाया है और विपक्ष में ये बात लगातार उठ रही थी कि इस बार पीएम मोदी का डटकर मुकाबला करेंगे और भाजपा को हराएंगे। ऐसे में अब चुनावी आंकड़े आए तो ऐसे ही कुछ नजारा देखने को मिला। इन नतीजों ने भाजपा को हिलाकर रख दिया। सरकार बनाने पर भी अभी संशय बना हुआ है। दरअसल इस बार के चुनावी परिणामों में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा 240 सीटें हासिल की हैं, जबकि कांग्रेस ने 99 सीटें जीती हैं। भाजपा के सूरत उम्मीदवार मुकेश दलाल के निर्विरोध चुने जाने के बाद 542 सीटों के लिए मतों की गिनती की गई थी। कांग्रेस के बाद सर्वाधिक सीटें जीतने वाले पार्टी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी रही, जिसने शानदार प्रदर्शन करते हुए 37 सीटें जीती हैं। इसके बाद बंगाल की सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी की पार्टी का नंबर आता है, जिसने 29 सीटों पर जीत हासिल की है। लेकिन इन सबसे ज्यादा जो चर्चा में हो रही है वो है चंद्रबाबू नायडू की पार्टी TDP और नीतीश कुमार की पार्टी JDU। आपको बता दें कि भले ही दोनों दल NDA का हिस्सा हो, लेकिन इसके बावजूद भी अटकलों का बाजार गर्म है। लोगों का कहना है कि दोनों दल इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। खैर, अभी इन पर संशय बना हुआ है। बता दें TDP को 16 सीटें मिली हैं और वहीं JDU को कुल 12 सीटें मिली हुई हैं। ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि इन नेताओं के संपर्क में इंडिया गठबंधन के नेता लगातार बने हुए हैं। बाकी इसका परिणाम क्या होता है ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। ऐसे में विपक्ष का प्रदर्शन पिछली बार से काफी बेहतर रहा, इसको लेकर विपक्ष लगातार BJP पर हमलावर है। इसी बीच आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह का भी बयान सामने आया है। उन्होंने भी प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग की है। संजय सिंह ने कहा कि देश की जनता ने प्रधानमंत्री को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। जनता ने बता दिया है कि अब तानाशाही नहीं चलेगी। इस बार बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। पीएम मोदी और बीजेपी बार बार 400 पार की बात करते थे, इससे जनता ने समझ लिया है कि ये देश के संविधान को बदलना चाहते हैं और आरक्षण की व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। देश की जनता ने इसी कारण से ये जनादेश दिया है। TDP चीफ चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री और JDU प्रमुख नीतीश कुमार की इंडिया गठबंधन के साथ संपर्क में होने की चर्चा है। वहीं चुनावी नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन की बुधवार शाम को मीटिंग भी है, इसको लेकर के संजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है आप देखिए इस वीडियो में। देखिए, ऐसा है कि आज इंडिया गठबंधन की मीटिंग है शाम को 6 बजे, उसमें हम सब लोग बैठेंगे और बैठ के तय करेंगे आगे की रणनीति क्या है। जहां तक इन दोनों नेताओं का प्रश्न है, 2019 के पहले किस प्रकार से खुद चंद्रबाबू नायडू जी ने पूरे देश में सबको संगठित करने का प्रयास किया था और मोदी जी की तानाशाही के खिलाफ फेडरल स्ट्रक्चर के मुद्दे को लेके यहीं दिल्ली के अंदर उन्होंने धरना भी दिया था कि राज्यों के हक मारे जा रहे हैं सरकार के द्वारा, और यही काम खुद नीतीश कुमार जी ने किया था इंडिया गठबंधन को संगठित करने के लिए। तो अगर आप देखें तो स्वाभाविक रूप से इनके मन में कोई श्रद्धा या कोई रेस्पेक्ट मोदी और अमित शाह को लेके है ऐसा मैं नहीं मानता। बाकी उनको, उनकी पार्टी है, उनको फैसला करना है। आज हम लोग जब इंडिया गठबंधन की बैठक में इकट्ठा होंगे तो उसमें आगे की रणनीति तय करेंगे। लेकिन इंडिया आगे, उन्होंने वाराणसी लोकसभा चुनाव के नतीजों पर पीएम मोदी को घेरते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी लगातार 400 पार की बात करते थे। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री में अगर जरा सा भी नैतिकता है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और अपनी हार स्वीकार करनी चाहिए। वाराणसी तक में देश के प्रधानमंत्री को जनता ने नकारा है। भले ही वो 1.5 लाख वोटों से जीते हैं, लेकिन उनकी पार्टी 10 लाख वोटों से अंतर की जीत का दावा कर रही थी और अब परिणाम सभी के सामने है। बता दें, नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनने में मुश्किल आने वाली है। भले ही एनडीए को बहुमत से 20 सीटें ज्यादा मिली हैं, लेकिन सियासत में खेला कभी भी हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन भी सरकार बनाने के लिए रस्साकसी कर रहा है, वो भी बहुमत के आंकड़ों से महज 38 सीटें दूर है। आने वाले दिनों में सरकार बनाने की कवायद
फिलहाल तेज होने वाली है। ऐसे में अगर विश्वास पूर्वक बात करें तो इस बार के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 63 सीटों का सीधा नुकसान हुआ है। इन्हीं के गंवाने की वजह से वो बहुमत के आंकड़े को पार नहीं कर पाई। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले कांग्रेस को कम से कम 47 सीटों का फायदा हुआ है। लोकसभा की 547 सीटें ऐसी रहीं जिनमें से 317 सीटों पर पिछली बार के चुनावों में जीती पार्टी का ही कब्जा कायम रहा। वहीं विपक्षी दल की अगर हम बात करें तो पिछली बार के मुकाबले इस बार बेहतर प्रदर्शन किया गया है। कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन को यूपी, महाराष्ट्र के साथ साथ राजस्थान, कर्नाटक और बिहार ने भी बड़ी जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। इंडिया ब्लॉक को यूपी में इस बार 43 सीटें मिली हैं जो पिछली बार के मुकाबले काफी अच्छा प्रदर्शन है। वहीं महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन को इस बार 29 सीटें मिली। बाकी कर्नाटक, बिहार और राजस्थान में भी गठबंधन को थोड़ी बहुत बढ़त मिली है। हालांकि इन सबके बावजूद भी दोनों दलों को सरकार बनाने के लिए तीसरे दल की जरूरत पड़ रही है। ऐसे में अब नीतीश कुमार के साथ साथ इंडिया गठबंधन को चंद्रबाबू नायडू की भी जरूरत है, जिसको लेकर लगातार अटकलों का बाजार गर्म है। लेकिन इससे पहले ही उन्होंने साफ कर दिया है, दरअसल कि चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, आप चिंता मत करिए, आप न्यूज चाहते हैं, मैं देश में कई राजनीतिक बदलाव होते हुए देखे हैं, लेकिन मैं एनडीए में ही रहूंगा, मैं एनडीए की मीटिंग में शामिल होने के लिए दिल्ली जा रहा हूं। उन्होंने आगे आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत और लोकसभा चुनाव में टीडीपी के शानदार प्रदर्शन को लेकर मतदाताओं का धन्यवाद करते हुए कहा कि हम एनडीए में ही बने रहेंगे। No, hear me, I say, you are very loud, you want news, always, I am also experienced, I have seen so many political changes in this country, we are in NDA, I am going for NDA meeting, in course of time, anything, will report to you, thank you. एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन की ओर से सीएम नीतीश की पूछ बढ़ गई है। इस बीच सीएम नीतीश और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक ही फ्लाइट से बुधवार को दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचे तेजस्वी यादव मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि थोड़ा धैर्य रखिए, देखिए क्या क्या होता है। दिल्ली के लिए एक ही फ्लाइट से यात्रा करने की जब सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की तस्वीर वायरल हुई तो इस पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हमने एक दूसरे का अभिवादन किया, बाकी क्या होता है आगे आगे देखते रहिए। उन्होंने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद भविष्य की कार्रवाई पर चर्चा करने के लिए इंडिया गठबंधन की बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। हालांकि राजनीतिक रुख किसकी तरफ जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। उन्हें एक ही प्लेन में तेजस्वी यादव के साथ देखा गया, जिसके बाद से चर्चाओं का बाजार गर्म है। अब कौन किसका होता है और सरकार किसकी बनती है ये तो खैर आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।